नहीं यहाँ ये भी महापौर है, ये भी पार्षद है, ये है कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये है भाजपा इस मामले को पूरी तरह से राजनीति रूप में किसी ने विकृत किया वो लगाने की त्रुटि हो सकती है, लेकिन धमतरी के मामले को जोड़ना, धमतरी का मामला चूंकि तिरंगा यात्रा थी वो भाजपा का आयोजन था और उनके द्वारा गलती की गई थी, उसको अभी चूक को बताने के लिए जोड़ा जा रहा है, ये गलत है। छेड़छाड़ कर रहे हैं, सीसीटीवी में चेक करा सकते हैं, हमने छेड़छाड़ किसी का कोई छेड़छाड़ नहीं किया, चौराहे का सीसीटीवी चेक करा देंगे, यही चीज आएगी। चलिए वो वहाँ पे जो वार्ड की बात बिल्कुल सर ये थोड़ा ये देखिए ये वीडियो चल रहा है ना, और एक दूसरा महिला मंगनी भाभी से पहचान ला उसको ना देख देखना सर कैसे करेंगे। जी बताइए आज किस विषय में आप लोग का एसपी ऑफिस आना हुआ? भाजपा की पार्षद मणि भास्कर गुप्ता के द्वारा कांवड़ यात्रा में जो झूठा झंडा लेकर चला गया था उसके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए आए थे। इसके पहले मैं बता दूं कि भाजपा ने सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र पूर्वक महापौर को झूठा झंडा पकड़ाकर उनकी छवि को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास किया, जो कि अशोभनीय और निंदनीय है। हम लोग इसके कृत्य की घोर निंदा करते हैं और जो इस षड्यंत्र में शामिल है उसको हम प्रशासन से मांग करने आए थे, उनके खिलाफ तत्काल FIR करके उनको सजा देने का प्रावधान किया। ठीक, आपका पद? मधुकर बंजारी, आवास पर्यावरण लोक निर्माण विभाग, चेयरमैन नगर पालिका निगम लाचन। जो झंडे का जो मामला आया है अभी उल्टे झंडे का, महापौर जी के द्वारा उल्टा झंडा पकड़ा गया, वो एक धार्मिक आयोजन था और उसमें किसी ने ला के उनको झंडा दिया, और क्योंकि झंडा कभी भी कोई आदमी देता है तो आपका जो उसका जो डंडा रहता है और उसके ऊपर में झंडा सिर के ऊपर में रहता है, उनकी नज़र उसमें पड़ी नहीं, और उन्होंने तत्काल ही जैसे मामला संज्ञान में आया उन्होंने खेद भी व्यक्त किया और उन्होंने क्षमा भी मांगी उसके लिए। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, और आज एक वीडियो फुटेज आया है जिसमें उनकी एक पार्षद मणि भास्कर के द्वारा उल्टा झंडा उसी आयोजन में पकड़ा गया है। किसी भी प्रकार का ये कार्य महापौर के द्वारा इंटेंशनली नहीं किया गया है, न जानबूझ के किया गया है, और उन्होंने खेद भी व्यक्त किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग राजनीतिक लाभ लेने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं और इस मामले को जबरदस्ती के तूल दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आज उनके खिलाफ में ज्ञापन देने के लिए आई थी और हम सब कांग्रेस के लोग इस मामले को लेकर सजग भी हैं, और कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, महापौर सहित सभी विधायक सब झंडे का सम्मान करते हैं। पूरे जिले में झंडा यात्रा निकल रही है। किसी भी प्रकार से मामला मेरा फिर से कहना है कि जानबूझ के किया गया।